दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपकी होने वाली है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में PGCIL भी कहते हैं। ये तो बात हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें आज के वीडियो में क्या है कि मैं बात करने वाला हूं। जो आपकी पोस्टें होने वाली हैं PGCIL में, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें आपकी दो तरह की पोस्टें होने वाली हैं, दो ही आपके क्या है कि डिसिप्लिन होने वाले हैं। तो जो दो पोस्ट होने वाली है, उसमें पहली होगी आपकी फील्ड इंजीनियर और दूसरी पोस्ट होगी आपकी फील्ड सुपरवाइजर की। तो फील्ड इंजीनियर की जो आपकी पोस्ट है, उसमें आपके दो डिसिप्लिन होंगे, पहला है इलेक्ट्रिकल और दूसरा क्या है कि आपका सिविल होने वाला है, यानी कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और दूसरा फील्ड इंजीनियर सिविल। दूसरी जो पोस्ट है, उसका नाम मैंने आपको जैसे भी बताया, फील्ड सुपरवाइजर है। दो डिसिप्लिन इसमें भी है, पहला इलेक्ट्रिकल हो गया और दूसरा क्या है कि आपका फील्ड सुपरवाइजर सिविल आपका होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और दूं आपको और अधिक जानकारी पावर ग्रिड में होने वाली इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इससे पहले मैं आपको कह कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं। तो अगर आपको फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जैसे दो डिसिप्लिन, फील्ड इंजीनियर अगर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं फील्ड इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए भी सेम होने वाला है। इसमें क्या है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए सिविल डिसिप्लिन में, और इसी के साथ साथ इस पोस्ट के लिए भी एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं मैं अगर बात करूं फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें क्या है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, और इसी के साथ साथ क्या है कि एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वहीं फील्ड सुपरवाइजर अगर मैं सिविल की बात करूं, तो इस पोस्ट के लिए भी आपके पास क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास क्या है कि एक साल का क्या है कि वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि मिनिमम किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो आपका डिसिप्लिन है, उससे रिलेटेड आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, और फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपके पास क्या है कि रिलेटेड जो डिसिप्लिन है, उससे रिलेटेड क्या है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दे दी। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी होने वाली हैं, इसके अलावा आपकी क्या है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी होने वाली है, एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, वर्क एक्सपीरियंस आपका किस एरियाज में आपको क्या कि चाहिए होगा, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, उस चीज की सारी चीजों की जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में क्या है कि देने वाला हूं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं PGCIL में होने वाली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट से, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से खोल के दिखाता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल क्या है कि नकली नौकरियों के भी क्या है कि काफी सारे आपके क्या है कि विज्ञापन आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जिस भी नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहें, उस नौकरी को आप ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म जरूर करें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नौकरी मौजूद है या नहीं। तो पावर ग्रिड की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर आ जाएं, तो आपको डार्क ब्लू कलर की क्या है कि आपको एक पट्टी नजर आएगी, जिसमें काफी सारे ऑप्शन है। तो राइट हैंड साइड तरफ आप आएंगे, तो आपको करियर का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आएगा। जब आप उस पर अपना कर्सर रखेंगे, तो आपको सामने एक मेन्यू क्या है कि नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको नजर आएगा। उसमें आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, पहला ऑप्शन आपका अवर पीपल है, दूसरा आपका वर्किंग एट पावर ग्रिड, और तीसरा ऑप्शन आपको क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज का नजर आएगा। जब आप उस पर अपना कर्सर रखेंगे, तो उसके बाद फिर एक और आपको क्या है कि मेन्यू नजर आएगा, उसमें जो पहला ऑप्शन है आपका, वो ओपनिंग्स का आपको क्या है कि नजर आने वाला है। जो आप ओपनिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने क्या है कि एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या है कि काफी सारी नौकरियां नजर आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ये यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि नहीं मिलने वाला। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको यहां पे बी करके एक ऑप्शन नजर आएगा, जो कि कहता है रीजनल ओपनिंग्स। तो रीजनल ओपनिंग्स में ही जो आपका पहला ऑप्शन जो कि कहता है नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट दिल्ली रिक्रूटमेंट, उसमें क्या है कि आपको टैप करना है। जब आप इस ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो उसके बाद क्या है कि आपको क्या है कि फिर आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, जिसमें नॉर्दर्न रीजन की जो रिक्रूटमेंट है वो आपके सामने नजर आएगी। तो उसमें क्या है कि पहले आपको नजर आएगा रीजनल रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन, यहां पे भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। इसके बाद जब आप इसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में क्या है कि आपको रिक्रूटमेंट नजर आएगी। टाइटल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, टाइटल है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड सुपरवाइजर, और उसी के साथ साथ क्या है कि उसमें डिसिप्लिन आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल भी क्या है कि दिए गए हैं। तो यही क्या है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाला। राइट हैंड साइड में आपको क्या है कि पहला जो ऑप्शन आ जाएगा वो डिटेल एडवर्टीजमेंट का है, उसके नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई है, और तीसरा ऑप्शन क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट डेटेड 26th of April 2021 जब आप ओपन करेंगे, तो फिर आपके सामने क्या है कि ये फुल फ्लेज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि खुल जाएगा, जिसमें ऊपर पारगेट का लोगो बना है, उसके बाद बड़ा बड़ा एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है कि लिखा है।
तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या है कि रिक्रूटमेंट होने वाली है, और जो इनिशियल पीरियड होगा इसमें रिक्रूटमेंट का वो 24 महीना यानी कि आपके 2 साल होगा, या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि 24 महीना, या फिर आपका जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक क्या है कि आपका ये नौकरी चलने वाली, यानी कि यानी या तो 2 साल पहले हो जाएंगे या फिर प्रोजेक्ट अगर पहले बंद हो जाता है 2 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है आपका, तो तब तक ही क्या है कि आपकी नौकरी होने वाली है। इसके बाद चलिए अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो पहले बात करेंगे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 30 होने वाली हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12 पोस्ट होने वाली हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए आपकी 7, एससी कैंडिडेट्स के लिए 7, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी होने वाली है। वही फील्ड इंजीनियर सिविल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 4 हैं आपकी, 2 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी आपकी होने वाली है। इसके अलावा फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 47 यानी 47 है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 20 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12 हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 9 हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसीज आपकी होने वाली है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 12 यानी कि 12 होने वाली हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 6 हैं आपका, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 हैं और 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। चलिए अब वीडियो में सीधा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ साथ में क्या कि आपकी अपर एज लिमिट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है आपकी वो 9/5/2021 होने वाली है, यानी कि 9th of May 2021। तो 9th of May 2021 को आपकी जो अपर एज लिमिट के लिए जो अपर एज लिमिट है इसमें ये 29 साल आपकी होने वाली है, यानी कि 29 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। एग्जैक्टली वो किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए वो भी आपको बताने वाला हूं। तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री का मतलब है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एससी इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में या उसके बराबर यानी कि इक्विवेलेंट। और उसमें भी आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप हैं जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और पास मार्क्स हो जाएगा एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंतर्गत आपका अलाउ किए गए हैं, जो डिसिप्लिन आपके अलाउ किए गए उसमें पहला इलेक्ट्रिकल है, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर है, तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, चौथा आपका पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, और पांचवा आपका पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल आपका होने वाला है। यानी कि ये डिसिप्लिन अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएससी इंजीनियरिंग, तो आप फिर एलिजिबल होने वाले हैं। मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए आपका जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और पास मार्क्स हो जाएगा एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, वो भी किस में, वो भी या तो डिजाइन में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में या फिर टेस्टिंग एंड कमेंसिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क में, वो भी किसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर सब ट्रांसमिशन में या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में या फिर सब स्टेशन में। और जो अगर आपके पास जो ये एक्सपीरियंस है वो किसी आपके पास पीएसयू या लिस्टेड कंपनी का है, तो फिर क्या है कि आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगली पोस्ट है आपकी फील्ड इंजीनियर सिविल, तो इसके लिए भी अपर एज लिमिट आपकी सेम होने वाली है, यानी कि 29 साल, वो भी 9/5/2021 को, यानी कि 9th of May 2021 को अधिकतम उम्र जो इसमें अलाउ की गई है वो 29 साल। इसके अलावा एज इलेक्शन कितना है वो आपको मैं भी आगे बताने वाला हूं। तो अगर मैं इस पोस्ट पे यानी कि फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आपके पास क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री हो यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो, आपके पास सिविल डिसिप्लिन में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ अगर आप हैं जर्नल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस और साथ साथ में एसटी कैंडिडेट्स, और पास मार्क्स हो जाएगा आपका एससी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी डिजाइन या फिर इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग एंड कमेंसिंग या फिर सिविल वर्क्स में, वो भी किसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर सब ट्रांसमिशन में या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में या फिर सब स्टेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस ये किसी पीएसयू या लिस्टेड कंपनी में है, तो फिर क्या है कि आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। तीसरी पोस्ट आपकी हो गई आपकी फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। तो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो सेम होने वाली है, यानी 29 साल आपकी होने वाली है 9/5/2021 को। और इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो आपके पास क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, यानी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अगर आप हैं, तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा में।
वहीं एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है कि पास मार्क्स आपका डिप्लोमा में क्या है कि होने वाले हैं। अलावा अगर आपके पास हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बी टेक, बीई, एम टेक, एमई, तो वो क्या है कि फिर आप एलिजिबल नहीं होने वाले। हो सकता है कि इसी बात बी टेक और डिप्लोमा दोनों हो तो भी आप एलिजिबल नहीं होने वाले। यानी अगर आपके पास बी टेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एम टेक या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास है और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा है या नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है, आप एलिजिबल आपका नहीं होने वाले। वैसे मैंने आपको भी बताया कि डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा किस फील्ड में इसमें अलाउ किया गया, तो आपके फील्ड होंगे इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर में, तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में और लास्ट हो जाएगा पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। तो इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से किसी भी एक में आपके पास डिप्लोमा क्या है कि होना चाहिए। वहीं अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपके पास एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किस में, वो भी कंस्ट्रक्शन, साथ साथ में टेस्टिंग एंड कमेंसिंग या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, वो भी किसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर सब ट्रांसमिशन में या फिर ट्रांसमिशन लाइंस में या फिर सब स्टेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस पीएसयू या लिस्टेड कंपनीज में है तो फिर क्या है कि आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। लास्ट जो पोस्ट आपकी बची वो आपकी होगी फील्ड सुपरवाइजर सिविल, इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 29 साल होने वाली है 9/5/2021 को, और इसमें जो डिप्लोमा चाहिए वो डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप है जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट्स, और पास मार्क्स हो जाएगा अगर आप हैं एससी कैंडिडेट। इसके अलावा जो कैंडिडेट जिनके पास हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा के साथ या बिना डिप्लोमा के, वो आपका एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा एक साल का इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किस में, वो भी कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग एंड कन्विंसिंग या फिर सिविल वर्क्स में, वो भी किसी रूरल आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स में या फिर सब ट्रांसमिशन में या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में या फिर सब स्टेशन में। इसके अलावा इसमें भी सेम कहानी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस पीएसयू या फिर लिस्टेड कंपनी का है तो आपको क्या है कि इसमें क्या है कि आपका प्रेफरेंस आपका मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी आपको पता ही होगा ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट होते हैं उनको तो किसी भी तरह का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल का, एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5 साल का, और ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो आपको पता ही होगा किसी भी तरह का क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपका नहीं मिलता है। बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं और अनरिजर्व है और ईडब्ल्यूएस आपको 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल अगर आप हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी होने के साथ साथ आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं तो आपको 13 साल का टोटल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 15 साल का क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपका मिलने वाला है। तो ये एज रिलैक्सेशन क्या है कि आपका हो गया। बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले अगर मैं बात करें फील्ड इंजीनियर की, तो फील्ड इंजीनियर के लिए जो सिलेक्शन होना है वो आपका सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ही होना है। लेकिन इसमें कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ये है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका क्या है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का होगा, यानी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास राइट है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया है वो उसको क्या है कि इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट के पास राइट है यानी कि मैनेजमेंट एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकता है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप मान लें कि अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो वो क्या है कि आपका 1 घंटे का होगा और 1 घंटे की उसमें ड्यूरेशन होगी और 75 यानी 75 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपके 50 सवाल होंगे जो क्या है कि आपके जो डिसिप्लिन है आपका उससे रिलेटेड होंगे, और जो 25 आपके सवाल होंगे वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्या है कि होने वाले हैं। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करे या फिर क्या है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकता है। वैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका वो सिर्फ क्या है कि आपका एलिमिनेशन पर्पस के लिए, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए होगा उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप उसको क्लियर करें और फिर सीधा क्या है कि आप इंटरव्यू दें, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर क्या है कि आपकी बनेगी फील्ड इंजीनियर के लिए। और अगर मैं बात करूँ अब फील्ड सुपरवाइजर की, तो फील्ड सुपरवाइजर में क्या है कि आपका इंटरव्यू आपका होने ही नहीं वाला है। तो इसमें क्या है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीधा क्या है कि रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा। पहले तो आपका चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, यानी सब स्क्रूनिटी होने के बाद आपका सब कुछ चेक होने के बाद क्या है कि आपका क्या है कि रिटर्न टेस्ट होने वाला। जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा उसमें क्या है कि 2 सेक्शन होंगे। तो पहला टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें क्या है कि 50 सवाल होंगे जो कि आपके क्या है कि डिप्लोमा सिलेबस पे क्या है कि बेस होंगे। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 25 सवाल होंगे जो कि बेस आपके होंगे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डेटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो यानी कि इस वाली फील्ड सुपरवाइजर में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके रिटर्न मार्क्स के आधार पर होगा। वहीं जो पहली वाली पोस्ट है आपकी फील्ड इंजीनियर की, वो उस पर जो सिलेक्शन आपका होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर क्या है कि होने वाला है।
बाकी चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। फील्ड इंजीनियर जो है उसकी पोस्ट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस होने वाली है, और फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस होने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट्स के मैंने आपको बता दिया 400 रुपये फीस है फील्ड इंजीनियर के लिए, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए आपकी 300 रुपये फीस होने वाली है। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन आपकी आज से स्टार्ट हो गई, यानी कि 26 अप्रैल 2021 से, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की आपकी होने वाली है 9 मई 2021, यानी कि आपकी एप्लीकेशन चलेगी 26th ऑफ अप्रैल 2021 टू 9th ऑफ मई 2021 तक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पारग्रिड में होने वाली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है कि ढेर सारी नौकरियां निकलती हैं, और हर एक नौकरी को मैं वीडियो के माध्यम से कवर किया है कि नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए मैंने स्मार्टली डिजाइन किया है जॉब एक्सप्रेस का पेज कोरा पे। कोरा आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आपने कोरा का नाम नहीं सुना तो फिर फेसबुक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो फेसबुक और कोरा पे दोनों पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है, जिन पे क्या है कि मैं रोजाना तरीन नौकरियों की जानकारी क्या है कि डालता रहता हूं। तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं इन दो पेजेस को, और इन दो पेजेस का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा जो आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी रिक्रूटमेंट है, इसका जो अप्लाई का लिंक है वो भी मैंने क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है पारग्रिड उसका लिंक, साथ साथ में जिस रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको आज बताया उसके अप्लाई का लिंक, और साथ साथ में जो आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैंने क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो लगा है इन्फॉर्मेटिव तो जीजे से लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरी से जुड़ी तरीन जानकारी मिलती रहे। और इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।